आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं माध्यमिक 2022 का फिजिकल साइंस क्वेश्चन पेपर को। इस पार्ट में हम लोग ग्रुप ए विभाग का को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जी हाँ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 15 का 15 क्वेश्चन को आपको लिखना है। लिखने का तरीका एकदम आसान है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके बाद में 1.2, 1.3, 1.4 इस क्रम में 1.15 तक नंबर बैठा देना है। चारों में से जो ऑप्शन सही है उसको लिखना है उनके नंबर के साथ, ठीक है। तो यह आपको 15 में 15 दिलाने वाला सेक्शन है फिजिकल साइंस का ग्रुप ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस विभाग क के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 1.1 का सही उत्तर होगा अधोमंडल, ठीक है, ए नंबर ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल के किस स्तर का घनत्व तो सबसे अधिक है, तो अधोमंडल का, ट्रोपोस्फीयर का। 1.2 देख लीजिए, गैस संबंधित बॉयल के नियम का लेखा चित्र है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली इंग्लिश वर्सन में दिया गया है पी वी ग्राफ, बॉयल्स लॉ का कौन सा है, तो आपके पास सही उत्तर कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर को आप चूज कीजिएगा। 1.3 को देखिए, गैसीय पदार्थों के आणविक द्रव्यमान एम और वाष्प घनत्व डी में क्या संबंध है, मॉलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या संबंध है, एम इक्वल टू ट्वाइस डी, ठीक है, डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। 1.4 को देखिए, अवतल दर्पण का वक्रता, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, कनकेव मिरर का, कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दर्पण का फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितना होगा यह बताना है। आपको याद होगा एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1.4 का सी नंबर, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई दृश्य किरणों की तरंग लंबाई से अधिक होती है। तो यहाँ पे समझ लीजिए विजिबल लाइट बोला गया, विजिबल लाइट दृश्य किरणों, तो सही उत्तर आपका होगा इंफ्रारेड, बी इंफ्रारेड किरण, ठीक है। 1.6 को देखिए, दांत के चिकित्सक डेंटिस्ट जो होते हैं वह प्रयोग करते हैं कौन सा, कनकेव मिरर को, सी नंबर। 1.7 को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए आप बी और सी में कन्फ्यूज्ड नहीं होइएगा, ध्यान से देखकर समझ लीजिए, उसके बाद में सही उत्तर को चूज कीजिएगा। तो बी आंसर सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में होता है, इसलिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होगा। 1.8 को देखिए, चालक का प्रतिरोध R और चालक में विद्युत प्रवाह का समय T अपरिवर्तित अनचेंज्ड होने से चालक में उत्पन्न ताप और धारा प्रवाहित I में संबंध है, कौन सा होगा, C नंबर होगा, H वेरीजेस I स्क्वायर। याद कीजिए हीटिंग इफेक्ट जूल का, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जब हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ में, तो आपको पता चल जाएगा एज वेरीजेस आई स्क्वायर जब आर और टी क्या है, अनचेंज्ड रहे, तो सी ऑप्शन सही होगा। 1.9 को देखिए, इसमें किसी चालक में 2 मिनट तक 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर विद्युत प्रवाह की मात्रा होगी, तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर 0.1 एम्पियर। कैसे निकल रहा है ध्यान से समझ लीजिए, जो धारा है विद्युत धारा वह होता है आवेश बटा समय, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो 12 कूलम बाई 2 मिनट, 2 मिनट को 2 × 60 सेकेंड में बदल दिए, तो कूलम बाई सेकेंड मतलब यहाँ पे हो गया एम्पियर, तो 1/10 हो गया, 1/10 एम्पियर, मतलब कितना हो गया, 0.1 एम्पियर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पा रहा हूँ,
फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, इस बात को याद रखना है। 1.10 देखिए, दीर्घ आवर्त सारणी, लॉन्ग पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या, जो वर्गों की संख्या है वह होती है, कितनी होती है, सी नंबर 18। याद रखिएगा पीरियड हमेशा 7 होता है और ग्रुप हमेशा 18 होता है दीर्घ आवर्त सारणी में। 1.11 देखिए, दीर्घ आवर्त सारणी मतलब लॉन्ग पीरियडिक टेबल के वर्ग 17, ग्रुप 17 के अंतर्गत क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीकारक गुण होता है, उसका क्या क्रम होगा, तो सही ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह एक दूसरे से ज़्यादा होते जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। 1.12 को देखिए, किस आयनिक यौगिक में कोई भी आयन अष्टक नहीं है, कहने का मतलब है किसी भी आयन में आप देखिएगा ऑक्टेट नहीं है, यह बताना है। तो आप जब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आपको पता चलता है NaCl में 281 और Cl में 287 होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है और ऑक्टेट बना लेता है। उसी तरह से CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसमें 2882 और ऑक्सीजन जो ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर है 26 होता है, तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से लेकर ऑक्टेट बना लेता है। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसमें देखिए Mg 282 और Cl दोनों साइड में होता है 287 287, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है मैग्नीशियम से तो वह भी ऑक्टेट बना लेता है। किंतु लिथियम हाइड्राइड ही इकलौता है जिसमें आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन कितना होता है लिथियम में 21 और हाइड्रोजन में या हाइड्राइड में यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है, जो हाइड्राइड आयन के रूप में है तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे ऑक्टेट बनने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 1.13 को देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में किसकी ठोस अवस्था अणु द्वारा गठित नहीं होती है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये सब आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर सोडियम फ्लोराइड, तो सही ऑप्शन आपके पास होगा सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, याद करके रखिएगा, इनके जो जो कंपाउंड होते हैं वे सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल से बने हुए नहीं होते हैं, ठोस अवस्था द्वारा गठित नहीं होते हैं इनके अणु द्वारा। ठीक है, 1.14 देखिए, एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत विश्लेष्य है क्योंकि जलीय घोल में एसिटिक एसिड है, तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, आंशिक रूप से विघटित होता है, पार्टली डिसोसिएटेड होता है, सी नंबर। एसिटिक एसिड CH3COOH है तो यह डिसोसिएट हो जाता है CH3COO- में और H+ आयन में, तो सही ऑप्शन होगा 1.14 का कौन सा, देखिए ध्यान से सी नंबर होगा। 1.15 को देखिए, विद्युत विश्लेषण के समय, इलेक्ट्रोलिसिस के समय क्या होता है, कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी, रिडक्शन कैथोड पे और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में उनको बताइएगा, ताकि इसके फैमिली दिनों दिन बढ़ता रहे और आप लोगों का हेल्प करता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।